दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा कि जब भारत के पास अपने नोट छापने की मशीन है तो सरकार अनलिमिटेड पैसे क्यों नहीं छापती है, सरकार खूब सारे नोट छापकर सबको अमीर क्यों नहीं बना देती है। वैसे भी अभी कोरोना महामारी और लॉकडाउन का कहर चल रहा है, सभी लोगों को पैसे की जरूरत भी है। अगर ढेर सारे नोट छापकर सभी लोगों को दे दिए जाए तो इससे देश की गरीबी मिट जाएगी, ना कोई बेरोजगारी रहेगी, ना कोई भूखे पेट सोएगा, ना कोई भीख मांगेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, सरकार ऐसा क्यों नहीं करती, इस सवाल का जवाब आपको आज की हमारी इस वीडियो में मिल जाएगा। और साथ ही आपको बताऊंगा हमारे देश में पैसा छापने की मशीन कहाँ है, पैसे कैसे छपते हैं, पैसे का पेपर कहाँ तैयार होता है, खराब नोटों का क्या करते हैं, पैसे हम तक कैसे पहुँचते हैं, कहाँ से आते हैं नोट छपाई के पेपर और स्याही, 200, 500 और 2000 रुपए छापने पर कितना आता है खर्च। आपको इन सभी सवालों का जवाब भी मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं सरकार अनलिमिटेड पैसा छापकर सभी लोगों को अमीर क्यों नहीं बना देती है। इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें एक फॉर्मूला को समझना होगा, और फॉर्मूला ये है कि किसी भी देश में बनने वाली गुड्स एंड सर्विस यानी सामान और सेवा की कीमत उस देश की प्रेजेंट करेंसी के बराबर होती है। यानी किसी भी देश में जो सामान की कीमत होती है वो उस देश की प्रेजेंट करेंसी के बराबर होती है। चलिए इस बात को हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए सरकार ने खूब सारे पैसे छाप दिए हैं और सबके पास अब लाखों करोड़ों रुपए आ गए हैं। अब मार्केट में एक टूथपेस्ट खरीदने जाएंगे जिसकी कीमत पहले 50 रुपए थी, तो अब वो दुकानदार उस टूथपेस्ट को 50 रुपए में क्यों देगा, जहां वो उस पर पहले 5 रुपए बचा रहा था। अब उसे टूथपेस्ट पर 5 रुपए बचाकर क्या फायदा होगा, क्योंकि दुकानदार के पास अब तो लाखों करोड़ों रुपए आ गए हैं, तो इसलिए वो दुकानदार उस टूथपेस्ट की कीमत कई गुना बढ़ा देगा। और इसी तरह कच्चे माल से लेकर तैयार माल तक सभी चीजों की कीमत बढ़ेगी और देश में महंगाई आसमान छूने लगेगी। देश में महंगाई न बढ़ जाए इसीलिए सरकार ज्यादा पैसे नहीं छापती। चलिए अब आपको बताते हैं हमारे देश में पैसा छापने की मशीनें कहाँ है। पैसा बनाने की मशीनें एमपी के देवास, मैसूर, सालबोनी और नासिक में है। देवास में नोट की स्याही और 10, 50 और 500 के नोट छापे जाते हैं। मैसूर में 2000 के नोट छपते हैं। आपको बता दें देवास में एक साल में 265 करोड़ नोट छपते हैं। इसके अलावा हमारे देश में एक पेपर मिल, 4 बैंक नोट प्रेस और 4 टकसाल मिल है। टकसाल मिल देश के 4 शहरों में जिनमें मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा शामिल है। नोट छपाई के पेपर होशंगाबाद और विदेशों से इंपोर्ट किए जाते हैं। इंडियन नोट में 3 जगह का पेपर यूज होता है, नंबर 1 महाराष्ट्र के करेंसी नोट, नंबर 2 पेपर एमपी के होशंगाबाद मिल से आता है, नंबर 3 कुछ पेपर को विदेश से इंपोर्ट किया जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं पैसे छपते कैसे हैं। विदेश और होशंगाबाद से आए पेपर को साइमेंटन मशीन में डाला जाता है। इसके बाद इसे दूसरी मशीन इन टैबू मशीन में डालते हैं। मशीन से निकले नोटों की सीट पर अच्छे और खराब नोटों को अलग अलग कर दिया जाता है। इसके बाद सही नोटों पर नंबर डाला जाता है। नंबर डालने के बाद एक एक नोट को चेक किया जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं पैसे का पेपर कहाँ तैयार होता है। पैसे का पेपर ज्यादातर दुनिया के 4 देशों में होता है तैयार। इन देशों में पेपर बनाने की आधुनिक मशीनें हैं, तो चलिए जानते हैं वो कौन से देश हैं। नंबर 1 अमेरिका का पोर्टल नंबर, नंबर 2 फ्रांस का अर्जोविगिज, नंबर 3 स्वीडन, नंबर 4 लुर्सेल पेपर फैब्रिक। चलिए अब आपको बताते हैं पैसे हम तक पहुंचते कैसे हैं। इंडियन रिजर्व बैंक के देश में 18 ऑफिस हैं, अहमदाबाद, बेंगलुरु, बेलापुर, चेन्नई, चंडीगढ़, भोपाल, जयपुर, हैदराबाद, गुवाहाटी, कोलकाता, कानपुर, जम्मू, मुंबई, नागपुर, पटना, तिरुवनंतपुरम, भुवनेश्वर, लखनऊ। सबसे पहले नोट इन ऑफिस में पहुंचते हैं, उसके बाद अलग अलग बैंक में भेज दिए जाते हैं। चलिए अब पता करते हैं खराब नोटों का क्या होता है। जब नोट खराब हो जाते हैं तो उन्हें बैंक में जमा कर दिया जाता है। बैंक उन नोटों को मुख्य कार्यालय में भेज देता है, जहां पर उनकी जांच होती है और उनकी जगह नए नोटों को छाप दिया जाता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कहां से आते हैं नोट छपाई के पेपर और स्याही। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में सरकार द्वारा संचालित एक सुरक्षा पेपर मिल है। यहां से भारत की सभी 4 प्रेसों के लिए नोट बनने में इस्तेमाल होने वाली विशेष मुद्रा कागज की आपूर्ति की जाती है। इसके अलावा काफी मात्रा में इन कागजों का दूसरे देश से आयात भी होता है।
नोट छापने के लिए ऑफसेट स्याही का निर्माण मध्य प्रदेश के देवास स्थित बैंक नोट प्रेस में होता है, जबकि नोट पर जो उभरी हुई छपाई नजर आती है उसकी स्याही सिक्किम में स्थित स्विस फॉर्म की यूनिट सिक्पा में बनाई जाती है। चलिए अब आपको बताते हैं 200, 500 और 2000 रुपए छापने पर कितना आता है खर्च। आरबीआई 1 रुपए के नोट को छोड़ सभी करेंसी नोट को प्रिंट करती है। अपनी वार्षिक रिपोर्ट में आरबीआई ने कहा कि 200 रुपए के नोट को छापने पर 2 रुपए 93 पैसे, 500 रुपए के नोट पर 2 रुपए 94 पैसे और 2000 के नोट पर 3 रुपए 54 पैसे लागत बैठती है। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि सरकार खूब सारे नोट छापकर सबको अमीर क्यों नहीं बनाती। ये भी पता चल गया होगा कि हमारे देश का पैसा कैसे और कहां बनता है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताना जरूर, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।